Two little dicky birds sat on a wall. One name Peter, other name Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. Yes, I'm here. Very good morning. Yes, Peter, today's in your English period, you have to learn how to write. है ना? अभी अब तक आपने सिर्फ पिक्चर के साथ मैच किया था, अब आप थोड़ा सा राइटिंग हैबिट भी करेंगे. ओके, तो मैं आज आपको जो लेटर्स बता रही हूँ वो है एन टू जेड. ओके, और आपको ट्रेस करना है, मीन्स डॉटेड लाइन को मैच करते हुए वर्ड्स बनानी. देखिए, फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, एम. एम फॉर मंकी. ओके, अब मैं लेटर्स को ट्रेस कर रही हूँ, जो लाइन को आपको भी वैसे ही करना है. ओके, आपको पहले स्टैंडिंग लाइन मैच करनी है, देन स्लैंटिंग लाइन. ओके, एम फॉर मंकी, अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, एम फॉर मंकी. ओके, एम फॉर मंकी. नाउ एम फॉर क्या बताया तुमने, एम फॉर नेस्ट. ओके, नेस्ट, आपकी अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, एम फॉर नेस्ट. यस, एम फॉर नेस्ट हो गया. ओके, अब हम करेंगे ओ. ओ फॉर ऑरेंज, राउंड शेप. ओके, आप प्रेसिंग ऐसे करें, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. यस, ओ फॉर ऑरेंज. नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लेटर इज P. P for parrot, right? Standing line and then curve line. Join कर दिया. Again, standing line and curve line. P for parrot. P for parrot. Q. Q for queen. और मैंने आपको Q for क्वील भी बताया, क्वील यानी जो पंख होते हैं ना वो. ओके, अगेन हम क्यू के लिए क्या करेंगे, राउंड शेप. ओके, राउंड एंड देन वन कर्व लाइन, राउंड एंड कर्व लाइन. क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन. आर, आर फॉर रोज, रेड रोज फ्लावर. ओके, स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन को ट्रेस करना, फिर कर्व लाइन और स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, अगेन स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन एंड देन स्लैंटिंग. आर फॉर रोज, आर फॉर रोज. एस, एस फॉर सनफ्लावर. देखो, ये दोनों लाइन जो है वो कर्व पोजीशन पे है. एस फॉर सनफ्लावर, एस फॉर शीप, अगेन एस फॉर शीप. कर्व लाइन से आपने एस बनाया. देन टी फॉर, टी फॉर टी, टी फॉर टेलीविजन. ओके, तो टी के लिए आपको फर्स्ट एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन स्टैंडिंग लाइन को उस पर अटैच करना है. अगेन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टी, टी फॉर टेलीविजन, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, टी फॉर टेलीविजन. यू फॉर अम्ब्रेला, कर्व लाइन, यू फॉर अम्ब्रेला, क्योंकि हमने क्रैक में भी सीखा है. नाउ वी फॉर वैन, स्लैंटिंग लाइन्स को आपने अटैच कर दिया. वी फॉर वैन, वी फॉर वैन. नाउ डब्ल्यू, स्टैंडिंग लाइन है अगेन एंड स्लैंटिंग लाइन डाउन. डब्ल्यू फॉर वॉच. एक्स,
X for Xmas tree. Slanting line, opposite slanting line. X. X for Xmas tree. Y. Y for क्या होता है? या. Okay. आपने slanting line को attach किया. And Z. Z for zero. Z for zebra. Sleeping line, slanting line, again sleeping line. Okay बेटा, इस तरह से आपने ट्रेसिंग करके लेटर M to Z कंप्लीट किया है और इसी तरह से आपको वर्कशीट भी सॉल्व करनी है. ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.